अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार ने अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। भारत के अफगानिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर भी तालिबान से बातचीत चल रही है। इसी दौरान भारत ने तालिबान को चेतावनी दी थी कि वह अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना करने दे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तालिबान को मान्यता देने और अफगानिस्तान को लेकर अभी चर्चा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तालिबान से आगे की बैठकों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए न किया जाए। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों के बारे में बागची ने बताया है कि मौजूदा वक्त में काबुल एयरपोर्ट चालू नहीं है। एयरपोर्ट पर फिर से परिचालन शुरू होने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार कर पाएंगे। अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर उन्होंने बताया है कि अफगान में किस तरह की सरकार बन सकती है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से तालिबान नेता के मिलने को लेकर बागची ने कहा कि तालिबान शायद उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिनके अफगानिस्तान में स्टेक हैं। गौरतलब है कि 31 अगस्त को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के दोहा राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनेकज़ई से मुलाकात की थी। ये बातचीत अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी भारत वापसी पर केंद्रित रही। राजदूत मित्तल ने इस बात पर चिंता जताई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान ने भी भारत की बात को माना है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।